नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान में, जिसमें हम आपके लिए एक आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वजह से कृष्ण ने राधा से नहीं की थी शादी। जी हाँ दोस्तों, क्या वजह थी इसके पीछे की, इस वजह को लेकर आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भी कि उसके पीछे की वजह क्या थी और राधा कृष्ण की जो भी जानकारियां हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो होगी, इसकी जानकारी आपको 100% मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो जरूर अंत तक देखेंगे और सभी जानकारी को हासिल करेंगे। इसके साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिन्होंने अब तक अश्वज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। हमारी आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही और भी इंटरेस्टिंग साबित होंगी। दोस्तों, राधा कृष्ण की प्रेम की कहानियां किसी से छुपी नहीं है, उनके अमन प्रेम का उदाहरण आज भी लोग देते हैं। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी किसी से भला कैसे छुप सकती है। शायद राधा के कृष्ण के लिए प्रेम की वजह से ही राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद श्री कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। लेकिन क्या आप इसकी वजह के बारे में जानना चाहते हैं? दोस्तों, पुराणों में इसकी वजह बताई गई है, लेकिन इसके कई कारण बताए गए हैं। आज हम आपको बता रहे हैं आखिर राधा कृष्ण ने शादी क्यों नहीं की थी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं की माने तो कृष्ण राधा की प्रेम कहानी के साथ साथ एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे, लेकिन राधा तो केवल कृष्ण के ही दीवानी थी। ऐसे माना जाता है कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी बचपन से ही शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि राधा उम्र में कृष्ण से बड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में कृष्ण के लिए प्रेम पैदा हुआ। पुराणों के अनुसार राधा को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान विष्णु जी के ही अवतार थे। हालांकि लक्ष्मी जी ने इस बात का प्रण लिया था कि वो हर अवतार में विष्णु जी की पत्नी बनेंगी। भगवान विष्णु का उनके अलावा और किसी से विवाह नहीं होगा। अब इस बात को माने तो इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि राधा के रूप में लक्ष्मी जी का विवाह कृष्ण रूप में भगवान विष्णु से हुआ होगा। तो दोस्तों, गर्भ संहिता की माने तो कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का अभास हुआ जो कोई नहीं बल्कि राधा थी। वो तुरंत ही बाल अवस्था को छोड़कर यौन अवस्था में आ गए। ऐसा माना जाता है कि इस समय ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था। विवाह होने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद ही ब्रह्मा जी और राधा जी भी अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए। कुछ पौराणिक कथाओं की माने तो राधा और रुक्मिणी एक ही थी। जिस तरह से राधा कृष्ण की दीवानी थी, ठीक वैसे ही रुक्मिणी भी कृष्ण को पति के रूप में पाने के सपने देखती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई ने उनका संबंध कहीं और ही कर दिया था। ये बात जानकर रुक्मिणी ने अपने भाई से कहा कि अगर उनका विवाह कृष्ण के अलावा किसी और से हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देंगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस घटना से पहले कृष्ण रुक्मिणी को जानते ही नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी वो रुक्मिणी से विवाह करने चले गए। ऐसे माना जाता है कि श्री कृष्ण के ऐसा करने के पीछे का कारण ये था कि असल में राधा और रुक्मिणी एक ही थी। पुरानी कथाओं के अनुसार राधा को रुक्मिणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। और इस कथाओं की माने तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। इसकी पीछे की वजहें अगर मैं गौर तलब से आपको बताऊं तो उसके पीछे के बहुत से कारण थे कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। पहला तो था, कृष्ण को था राधा की पीड़ा का एहसास। नंबर दो था, राधा थी कृष्ण से उम्र में 5 वर्ष बड़ी। और नंबर 3 थी, क्यों किया कृष्ण ने शादी से इनकार। ये सबसे बड़ी वजह थी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इसकी जानकारी मैं आपको दूँ कि गुरु की बात सुनकर कृष्ण ने
विनम्रतापूर्वक कहा कि गुरुदेव, मेरा मन गायों, पर्वत, जंगल और ग्वाल बालों में लगता है, मैं इन्हीं के बीच रहना चाहता हूँ। कृष्ण के मुख से यह सुनने के बाद गर्गाचार्य ने विचार किया कि कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई के बारे में बताया का सही समय अब आ चुका है। उन्होंने कृष्ण से कहा कि तुम मुक्तिदाता हो, धर्म की स्थापना करना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। तब जाकर कृष्ण को अपनी जीवन का असली उद्देश्य समझ आ गया और उन्होंने शादी से बिल्कुल इनकार कर दिया और फिर वह अपनी धर्म में लीन हो गए। जो भी जिस भी मकसद से वो धरती पर आए थे, उस मकसद को पूरा करने में वो विलीन हो गए और इस तरीके से राधा और कृष्ण की शादी नहीं हो पाई। राधा और कृष्ण का प्रेम था अलौकिक, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। इसके अलावा भी श्री कृष्ण के राधा से विवाह ना होने के और कई कारण बताए जा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक है। यह प्रेम प्रेमी और प्रेमिका वाला प्यार नहीं, बल्कि भगवान और भक्त वाला प्यार है, इसलिए इसमें शादी का सवाल ही नहीं उठता। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि श्री कृष्ण मनुष्यों को यह संदेश देना चाहते थे कि प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है, इसलिए अपने प्रेमिका से विवाह करना कोई जरूरत नहीं है। जिसके कुछ कारण अलग अलग तरीके से लोगों द्वारा बताए जाते हैं, पौराणिक धर्म में बताए जाते हैं, और कुछ लोग इन्हें मानते भी हैं और कुछ लोग इन्हें ना मानने का मजबूर होते हैं। तो मैंने भी आपको कुछ अलग अलग जानकारियां आपको दी कि किस प्रकार से क्या जानकारी सही हो सकती है। तो पौराणिक धर्म के अनुसार अगर माना जाए तो दोस्तों, जो भी मैंने आपको जानकारी दी है कि श्री कृष्ण जी का धरती पर मकसद, उनके आने का मकसद सिर्फ एक था, अपने धरती को जो भी अधर्म हो रहा है उसे हटाया जाए और सभी को धर्म के राह पर लाया जाए, जिसमें कि उसमें प्यार का बढ़ना और श्री कृष्ण का राधा के साथ आना भी एक अलौकिक धर्म ही है। तो इस कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे और तभी दोनों के बीच प्यार हो गया था, लेकिन उसके बाद वो कभी वृंदावन लौटे ही नहीं। किसी भी धर्म ग्रंथों में उनके दोबारा द्वारका लौटने की बात का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। दोबारा न मिल पाने से शादी न होने का एक अलौकिक कारण है, जिससे कि अब पता लगाया जा सकता है कि इस वजह से श्री कृष्ण की राधा से शादी नहीं हो पाई थी। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में दी सभी जानकारी पौराणिक धर्म और प्राचीन काल से चलती आ रही क्रियाकलापों धर्मों से ही ली गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इस तरह की कुछ और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल चल रहा है, कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, तुरंत रिप्लाई आएगा और कुछ ही घंटों में आपका समाधान किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिएगा एस्ट्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आने वाली हमारी और भी वीडियोज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित ज़रूर होंगी। धन्यवाद दोस्तों।